विमानतल उसी के तहत हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जोधपुर का अलग तरीके से, जम्मू का अलग तरीके से और वैसे ही ग्वालियर का भी अलग तरीके से, ताकि पर्यटक को, व्यक्ति को लगे कि किस शहर में आया है, उस इतिहास का एक अनुभव उस व्यक्ति को। 500 करोड़ रुपए की ये योजना है और ये विमानतल करीब करीब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बड़े विमानतलों के रूप में ये नया भव्य रूप धारण करेगा। मेरे पूज्य आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये विमानतल उनके नामांतरण हुआ था 2001 में और आज 21 साल बाद आने वाले 100 साल 200 साल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक अति आधुनिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम का एक विमानतल जो उनकी सोच और विचारधारा भी थी, ग्वालियर में मेरी आजी अम्मा आधुनिकता चाहती थी पर पुरानी संस्कृति का भी उसका संगम हो वो भी चाहती थी, तो दोनों का रूप धारण करके कल हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं, हमारा सौभाग्य होगा और आपके जरिए ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को भी हाथ जोड़कर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, फिजिकली जुड़े वर्चुअली जुड़े, ताकि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम लोग सब हो पाए। उसी के साथ उस इतिहास को बुलंद रखने के लिए ग्वालियर में इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में नई गैलरी का उद्घाटन भी करने वाले हैं, मराठा इतिहास पर, जो मराठाओं का बहुत एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, बहादुरी का, बलिदान का, राष्ट्र सोच विचारधारा का, उस गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये दोनों कार्यक्रम, एक आधुनिकता का कार्यक्रम, नया विमानतल, एक इतिहास का कार्यक्रम, यही ग्वालियर की पहचान, पर्यटकों की आवागमन भी बढ़ेगी, पिछले एक साल में बहुत सारी वृद्धि नागर विमानन क्षेत्र में हम पूरे मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं, जबलपुर के कोने से, भोपाल इंदौर से ग्वालियर के कोने तक, और आने वाले दिनों में भी इसे और वृद्धि हम लोग प्रदान करेंगे छोटे छोटे शहरों में भी, ये विश्वास हम आप लोगों को दिलवाते हैं। कल के कार्यक्रम के लिए आप लोग सब आमंत्रित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।